इस बार का विनर है रणबीर कोहली। देखा? अच्छा हा? तो मेरा पत्ता ले, चौथी बार जीत गई मैं। मैं बता रहा हूँ आपकी ना किस्मत बहुत अच्छी चल रही है, वरना ऐसे जीतता नहीं हुआ चार बार लगातार। ओ तो तू भी अपनी किस्मत को बुला ले प्राची को। लो दीदी आ गई। अरे प्राची पुत्र, आज हाँ पुत्र तू भी खेल हमारे साथ। अभी हम तेरे बारे में ही बात कर रहे थे, तेरे पति को तेरी जरूरत है। दादी हर बार जीत रही है। अच्छा पुत्र तू भी इसे कुछ गुरु मंत्र दे दे, ताकि एक आध बाजी तो जीत जाए। मैं क्या मंत्र दूं, मैं बस बोल सकती हूँ ऑल द बेस्ट। पर तुम्हें तो कुछ और कहना था ना मुझे। सीता मुझे ना फोन आ रहा है, मैं जा रहा हूँ। तुम एक काम करो, मेरे पत्तों के साथ खेल लो, ये लो है ना। मैं आता हूँ दीदा, ठीक है? हाँ। की होया पुत्र? मुझे ना, मुझे उस चींटी ने काटा जो मुझसे प्यार नहीं करती है। मैं आता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? पत्ते ले। हाँ, किसकी चाल है? वैसे ऐसा क्या कहना था जो वो बिना सुने चला गया? क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं दीदा। कुछ तो कहा है, तभी तो वो चला गया। अब वो शर्मा के गया है या नाराज होके गया, वो तू मुझे बताएगी। बताना पुत्र। नहीं नहीं कुछ नहीं दीदा, सच्चे। वैसे पुत्र प्यार में ना एक बुराई, प्यार झूठ बहुत बुलवाता है। जब मैं ब्याह के आई थी ना, तो तेरे दादाजी की वजह से मुझे बहुत झूठ बोलने पड़ते थे, पर चलता है। प्यार में झूठ चाहे जितना बोलो, लेकिन प्यार सच्चा होना चाहिए। और तेरे दादाजी और मेरे बीच में ये कुछ नहीं कुछ नहीं चलता रहता था। क्या दीदा आप भी। चल पत्ता चल। चल पुत्र, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। तुम्हें मुझे सबके सामने आई लव यू बोलना है। ये क्या हो रहा है? कुछ 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 नहीं हो रहा है। मैं तो फोन पे कुछ कर रहा था। नथिंग 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 बोल। तो इतने नर्वस क्यों? मैं नर्वस नहीं, वो अरे फोन गिर जाता टूट जाता तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव फोन ना। अरे व्हाट अ कोइंसिडेंस, कॉल भी आ गया मॉम किसी का। अरे तू ठीक है ना पुत्र? मैं पानी लेकर आती हूँ। अब चलेगा? कहा था ना कि कुछ तो है जो तू अंदर दबाए बैठी। कोई बात मन में है और उसे दबाने की कोशिश करो ना, और वो अंदर हो तो वो खांसी बन के बाहर आ जाती है पुत्र। कौन सी बात? कुछ नहीं। कुछ नहीं, वो मैं बस सबके लिए चाय बना खिलाती हूँ। गला खराब है, चाय पियोगे? अदरक वाली मैं बना रही हूँ। नहीं पीनी मुझे तुम्हारी चाय, मैं यहाँ पे पानी पीने आया। ठंडा पानी पियोगे? हाँ पीऊंगा। तो बदमाशी कर रहे हो ना? क्या बदमाशी कर रहे हो? क्या आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, क्या कह रही हो? बहुत शोर आ रहा है, जोर से बोलो। व्हाट व्हाट शोर है? किचन में शोर है। हाँ बहुत शोर है। क्या 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 कह रही हो? सुनाई नहीं मुझे। क्या बदमाशी? तो लोग फोन क्यों करते हैं, मैसेज नहीं कर सकते क्या? ओ इसका फोन है। हेलो कैसे हो तुम? अरे तू किससे बात कर रहा है? मैं सिर्फ कोई स्वीट लड़की नहीं। कोस हाय, कि तुम्हारी आवाज कितनी स्वीट है यार। आई मिस्ड यू, कितनी अच्छी लड़की हो तुम ऑनेस्टली। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे तू क्या बोले जा रहा है?
पर किसको थैंक यू कह रहा है? कॉस मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम्हारी खूबसूरत आवाज सुन के मैं तुम्हें पहचानूंगा नहीं क्या? इतनी प्यारी प्यारी बातें करती हो तुम। थैंक यू सो मच। अरे तुम इतनी प्यारी बातें ही मत करो यार, मैं भूल जाऊंगा कि मेरी शादी हो चुकी है। नहीं, तुम्हारी बातें इतनी खूबसूरत है तो कोई भी आदमी खो जाए ना, मैं तो तब भी सिंपल सा आदमी हूँ। हाँ, I know, मेरी क्लीन चिट है ना, क्योंकि मैं कमिटेड हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक बीवी भी है। लेकिन अगर मेरी बीवी नहीं होती ना, आई स्वेयर, तब तो हमारी थोड़ी सी बात आगे बढ़ी रही होती अभी। लेकिन अपनी बीवी को चला रहा हूँ, थोड़ी देर सुन लेना, चुपचाप कुछ मत बोल, ओके? तू तंग कर रहा है राजी को? राजी को मैं तंग कर रहा हूँ? और वो मुझे तंग? अरे अभी अभी तो मैं नहीं आ पाऊंगा, अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ डार्लिंग, बट व्हाट वी कैन, हम कल मिले? नहीं, कल तो बहुत ज्यादा बिजी हूँ, नहीं कल नहीं। एक काम करते हैं, वी शुड मीट परसों, साउंड गुड फॉर यू? हाँ परफेक्ट, परसों मिलता हूँ, ओके, आई विल सी यू। क्या बोल रही हो तुम? मुझे बहुत शर्म आ रही है। नहीं, चलो ठीक है, बस भी करो, इट्स ओके, हम जब मिलेंगे तो रॉक कर देंगे, ओके? रॉकिंग रणवीर, किससे बात कर रहे थे? कुछ कह रही हो तुम? नहीं कह नहीं रही, पूछ रहे हो किससे बात कर रहे थे? मैं भी तुम्हें उससे उसी चीज का जवाब दूंगा जो मैं जवाब देना चाहता हूँ। अगर हमारे बीच में वो वाली बात नहीं होगी तो कोई बात नहीं होगी, गेट इट? ठीक है, मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ। ओके, मैं जा रहा हूँ, बाय। आई लव यू। वाह, थैंक यू सो मच। लेकिन अब तुम्हें यही बात जो है वो सबके सामने बोली होगी, दीदा और सोनी के सामने। इनफैक्ट मम्मी के सामने भी। मम्मी के सामने बोलना ही तो इम्पोर्टेंट है। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मेरी लाइफ इतनी डिफिकल्ट क्यों बना रहे हो? प्यार भी तो डिफिकल्ट है ना, है ना? तो उसका इजहार डिफिकल्ट क्यों ना हो? एंड वैसे भी जो चीज थोड़ी रोमांचक नहीं होती ना, उसमें मुझे मजा नहीं आता। तो आई विल सी यू व्हेन आई सी यू, और हम तभी बात करेंगे जब तुम एक्चुअली वो बात करोगे जो मैं सुनना चाहता हूँ। बाय, सी यू। मेरी चाय। मुझे पता है तुम मुझे पीना इसलिए नहीं देना चाहती क्योंकि तुम्हें पैसों से प्यार है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें मेरी खुशियों से नफरत है। तुम मुझे वो करने ही नहीं देना चाहती जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। और वो क्या है? मेरी ड्रिंक्स। मुझे शराब पीना पसंद है इसलिए तुम्हें वो पसंद नहीं है ना। लेकिन तुमने एक बात नोटिस की है, जब से मैं इस घर में आया हूँ मेरा शराब पीने का कुछ ज्यादा ही मन करता है। अब या तो इस घर की शराब बहुत अच्छी है या फिर शराब पीते वक्त तुम्हारे चेहरे पर जो इरिटेशन है ना वो बहुत सही है। सच बोल रहा हूँ, शराब पीते वक्त तुम्हारे चेहरे पर जो गुस्सा आता है ना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आई लव इट। अब आपको ना इरिटेशन दिखेगी ना गुस्सा, क्योंकि यहाँ आपको शराब मिलेगी ही नहीं। ओ, तो फिर आज इरिटेशन के साथ साथ डिसअपॉइंटमेंट भी देखने को मिलेगा तुम्हारे चेहरे पर। Dan, 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 Dan. Tanu, Tanu, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? तुमने इन्हें शराब क्यों दी? मैंने नहीं दी। ये काम इस घर में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं दुश्मन हूँ अभी की? जब मैं बोल रही हूँ मैंने शराब नहीं दी तो नहीं दी ना। अगर तुमने नहीं दी तो किसने दी? आलिया ने। मैंने दी है शराब। अभी की हालत देखी नहीं गई, अगर थोड़ी देर इसे शराब नहीं मिलती ना तो पता नहीं क्या कर लेता। इसीलिए मैंने इसे थोड़े से पैसे दिए कि जाके थोड़ी सी शराब पी ले। थोड़ी सी शराब? दादी आप जानती है ना कितना पीते हैं ये। नहीं प्रज्ञा, इसने मुझसे वादा किया है कि वो थोड़ी पिएगा। आप कैसे इन्हें शराब दे सकती हैं? आपसे इनकी हालत नहीं देखी गई, शराब पीने के बाद इनकी हालत देख पाएंगी आप? जानती है ना जहर है इनके लिए शराब। मैंने दवा समझ के दिया था ताकि सो जाए। दादी इनको ऐसे नींद नहीं आएगी, इन्हें हमारी जरूरत है, आपने इन्हें शराब के भरोसे छोड़ दिया। दादी को ज्ञान देने की क्या जरूरत? तुमसे ज्यादा फिक्र करती है दादी मेरी, और मुझे ना आप किसी की हेल्प नहीं चाहिए, तुम्हारी तो बिल्कुल ही नहीं। ठीक है, आज तक मैं ना पीने की रिक्वेस्ट कर रही थी, अब ऑर्डर दूंगी। ये घर मेरा है, मेरे रूल्स के हिसाब से चलेंगे, यहाँ कोई शराब नहीं पिएगा। प्रज्ञा, घर को होटल मत बनाओ। और ये क्या बात हुई? पसंद का खाना खाना है तो खुद किचन में जाके बना लो, यहाँ रहना है तो कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे।
मजबूरी माए हैं तो ऐसे ट्रीट करोगी हमें? जब देखो बॉस की तरह आके ऑर्डर देती है। तुम हम पे हुकुम नहीं चला सकती प्रज्ञा, तुम हमें ऑर्डर नहीं दे सकती। जिसको जो समझना है समझ ले, लेकिन ये मेरा घर है, यहाँ मेरे रूल्स चलेंगे। ना इन्हें कोई शराब देगा ना ये शराब पियेंगे, समझ गए सबके सब? मेरा जहां मन करेगा मैं पीऊंगा, तुम जितना बोलोगी मैं उतना पीऊंगा। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे सामने पीऊंगा। Excuse me. प्रज्ञा, तू जानती है ना वो कितना जिद्दी है, अब उसकी जिद के आगे तू भी जिद करेगी तो वो और ज्यादा पिएगा। तो आप क्या चाहती हैं दादी, वो दिन दिन रात शराब पीते रहे? मैं मानती हूँ कि उसका शराब पीना गलत है, लेकिन शराब के लिए तड़पना मैं नहीं देख सकती। दादी जो भी हो, मेरे हिसाब से जो गलत है वो गलत है, अब प्लीज दोबारा ऐसा मत कीजिएगा, प्लीज। प्रज्ञा, मैं तुझसे माफी तो मांग सकती हूँ लेकिन वादा नहीं कर सकती बेटा, वादा नहीं कर सकती। वो बड़ी है, पोते के प्यार में अंधी हो गई है, उन्हें सही गलत समझ में नहीं आ, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि शराब शराब जहर है उनके, फिर भी उन्हें क्यों पीने दे रही हो? अभी तुम्हारी वजह से शराब पीता है, उसके अंदर जो आग लगी ना उसे बुझाने के लिए शराब पीता है, और वो आग जानती हो किसने लगाई? तुमने। तुम जिसकी बात कर रही हो वो पीता हुआ कल है, मैं उन्हें बचाने की बात कर रही हूँ। तुम मत, ये याद रखना कि शराब वो आग लगाती है जिससे लोग जल जाते। तो जल जाने दो मुझे आग में, पर तुम्हें जलाने का मौका नहीं छोड़ूंगा मैं। ये कहाँ चली गई? घर छोड़ के चली गई और क्या। भाई को इस हालत में छोड़कर नहीं जाएगी, भाई को रोकने के लिए नया तरीका ढूंढने गई है। सिद्धि ये भी कम नहीं है। कोई दिख नहीं रहा, ये खटखटाने की आवाज कहां से आ रही है? ओ तुम नौ क्यों कर रही हो? अच्छा बाहर आना है तुम्हें, अब इतना बाहर आओगे, बाहर से अंदर ही जाना है। लो तुम्हें भी बाहर ले आता हूं। अबे पागल हो गया क्या, अभी बोतल से बात कर रहा है तू? चुप, खटखटाने का नहीं। ओ तो ये खटखटाने की आवाज अब खिड़की से आ रही है, तो मतलब हवा जो है वो खटखटा रही है। अरे हवा, तुम तो हवा हो, तुम्हें खटखटाने की क्या जरूरत है, आ जाओ कहीं से भी। ओ स्पेशल इनविटेशन, खिड़की खोली देता यार तुम्हारे लिए। तुम, मुझे लगा हवा है, लेकिन तुम अपने ही घर में ऐसे चोरों की तरह मिलने क्यों आई हो? इतनी सहमत, थोड़ी सहमत मैं भी उठा लेता हूँ, एक एहसान कर देता हूँ, ला हाथ लो, तुम्हारी मदद कर दूंगा। Come on, jump in. कोई जरूरत नहीं, मैं आपको अपनी बात समझाने आई थी, क्योंकि मुझे पता है आप तो समझे नहीं होंगे। क्या? ड्रिंक वाली बात। देखो मैं शराब नहीं छोड़ने वाला, सिंपल। वो तो मैं समझ ही गई थी, इसलिए मैं घर से बाहर आई हूँ ना, क्योंकि मैंने बोला कि इस घर में कोई शराब नहीं पिएगा। अब आप तो मेरी बात मानेंगे नहीं, इसलिए मैं ही घर छोड़ के जा रही हूँ। Are you serious? Of course I am. ये तो वही वाली बात होगी कि एक मैदान में दो तलवारें नहीं रह सकती, या तो मैं रहूंगी या शराब। पर तुम्हारा घर है, तुम शराब के लिए घर छोड़ के क्यों जाओगी? मैंने कह दिया ना कि इस घर में या तो शराब रहेगी या मैं। Shit. ये तो तुमने मुझे दुविधा में डाल दिया, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में।
बहुत सॉरी। सॉरी अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुम्हें बोलूंगा कि मैं तुम्हारे लिए शराब छोड़ दूंगा, या तुम्हें ये कहूंगा कि तुम्हें घर छोड़कर मत जाओ, तो ऐसा कोई फिल्मी सीन नहीं होने वाला, क्योंकि मैं तो तुम अभी I'm sorry. मैंने आप लोगों की बातें सुन ली एंड आई वुड से प्रज्ञा की तुम्हारी टैक्टिक्स अब काम नहीं आएंगी। पहले आती थी क्योंकि अभी तुम्हारे प्यार में पागल था, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ना अब तुम्हें इस घर से जाने से रोकेगा और ना ही खुद को शराब पीने से रोकेगा। तो तनु, तुमने मेरे बारे में जो जरूरी जानकारी प्रदान की है ना, उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। तो ब्रेकिंग न्यूज, मेरे पास जुबान है, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों समझ भी लेता हूँ और बोल भी लेता हूँ, इसलिए ट्रांसलेटर बनने की जरूरत नहीं। इनके कहने का मतलब है हमारे बीच से चली जाओ। सुना मैंने, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। तो खड़ी क्या हो, और बातें सुननी है? कान लगा के बातें सुनने का शौक नहीं है मुझे, वो तो बस सुन ली मैंने। एक्चुअली मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि सुन ली बहन, सुन ली, चलो आप निकल ली, बाय बाय। ओए क्या करी तुम? कुछ नहीं। कुछ नहीं का क्या मतलब है? कुछ नहीं, चोरी करी थी तुम? मैं चोरी नहीं करी थी। मुझे पता है तुम चोरी करी थी। अरे ये बोतल टेढ़ी रखी थी, मैं ठीक कर रही थी, नहीं तो गिर जाती। नशा इंसान को चढ़ता है, बोतल को नहीं, जो गिर जाएगी। कर लो चोरी, मेरे पास एक और बोतल है। चोरी करना पाप है, तेरे घर में सांप है। सुषमांडी नहीं सिखाया तुम्हें? आप आंटी को बीच में मत लाइए। ओह माय गॉड, यू नॉटी गर्ल। तनु हमारे बीच में आओ, सुषमांडी को हमारे बीच में लाओ, शराब को हमारे बीच में लाओ। हमारे बीच में सब कुछ है, बस वही नहीं है जो हुआ करता था। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो फिर क्यों सबको हमारे बीच से हटा रही हो? मैं किसी को कहीं नहीं हटा रही, मैंने बस ये कहा कि मैं इस घर में नहीं रह सकती जहाँ आप इस तरह शराब पी रहे हैं। अब तुम बच्चों ऐसी हिम्मत करो, बस आ जाओगी? नहीं, मैं बाहर सड़क पे रह लूंगी लेकिन इस घर में नहीं रहूंगी। अच्छा, तुमने भाई साड़ी नहीं पहनी है, वरना सबको यही लगेगा कि भूत आ गया, भूत आ गया। तो और बुरा हुआ ना, इसमें तो अप्सरा लग रही हूँ, किसी ने छेड़ दिया तो, किसी ने क्या, दो चार लोग हुए तो सड़क पे। अरे गब्बर हो तुम, गब्बर। दो चार के आठ दस को निपटा दोगे तुम? अरे उनके पास चाकू हुआ तो? टीचर बन जाना, उन्हें लेक्चर देना, अपने आप शहर छोड़कर भाग जाएंगे। मतलब मैं चली जाऊँ घर छोड़ के? कितनी नौटंकी हो यार तुम, ये तुम्हारा घर है, तुम्हें रहना है तुम रहो, तुम्हें जाना है तुम जाओ, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन मैं तो यहीं पर बैठकर पीऊंगा क्योंकि मुझे दिखाना है कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ मतलब? अपनी मर्जी का बादशाह, तुम्हारे प्यार का गुलाम नहीं जो तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहूंगा। और वैसे भी तुम्हारे और ये शराब के सामने ना, ये शराब ही जीतेगी। मैं जा रही हूँ। बाय। पक्का? दरवाजा लॉक कर देना। मैं जा रही हूँ। बाय। इसे लग रहा है कि मैं इसे रोकूंगा, लेकिन आज मुझे दिखाना है कि मैं अपनी मर्जी का बादशाह हूं। वाह, हाँ, टेक्निकली इमोशनली हर तरीके से ब्लैकमेल कर रही थी अभी को। अच्छा, भाई ने क्या बोला, क्या कहेगा? प्रज्ञा ये बात समझ ही नहीं रही कि अभी पहले जैसा अभी नहीं रहा, वो बदल चुका है। अब उसे प्रज्ञा की परवाह नहीं है, परवाह है तो सिर्फ अपनी शराब की, जिसे जहां जाना है जाए, बस मेरे और मेरी शराब के बीच में कोई ना आए। अभी बहुत रो लिया प्रज्ञा की याद में, अब उसे खुश रहना है और वो खुशी उसे प्रज्ञा के बिना मिलेगी। लेकिन प्रज्ञा ये बात समझ ही नहीं रही, बेवकूफ एक नंबर की। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, प्रज्ञा ना एक नंबर की बेवकूफ है। उसको क्या लग रहा था कि वो चली जाएगी तो अभी शराब छोड़ देगा? अरे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पता है क्या हुआ? क्या? भाई ने शराब नहीं छोड़ी होगी और प्रज्ञा चली गई होगी। हाँ, प्रज्ञा वहां से चली गई। इसका मतलब ये हुआ कि अभी को प्रज्ञा की कोई फिक्र ही नहीं रही और वो उसे लेने भी नहीं जाएगा। और नहीं तो क्या, बीबी मायके गई है तो पति उसे लेने जाएगा? अभी को दिखा रही थी कि देखो मैं तुम्हारे लिए घर छोड़ के जा रही हूँ, पर अभी ने भी उसे उसकी औकात दिखा दी। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अभी ने उसे उसकी औकात दिखा दी, उससे कहा कि I don't care, मतलब मुझे तुम्हारी परवाह ही नहीं है और तुम मेरे और मेरी शराब के बीच में तुम बिल्कुल भी मत आओ। अभी तो प्रज्ञा को और सुना था, लेकिन अभी ने मुझे वहां से जाने के लिए कह दिया ताकि अभी प्रज्ञा को और अच्छे से सुना पाए। अरे हाँ, बहुत
बहुत सुनाया उसने उसे, उसे यहाँ तक कह दिया कि मैं तो अपनी मर्जी का बादशाह हूँ, मैं कोई तुम्हारे प्यार का गुलाम गुलाम नहीं हूँ जो तुम्हारे आगे पीछे घूमूंगा, और ये तक कह दिया कि शराब और तुम में से शराब ही जीतेगी। क्या देख रहे हो? सच्ची में मैंने अपने इन दोनों कानों से सुना, मम्मी जी की कसम। अरे सच्ची में मैंने अपने इन दोनों कानों से सुना। कान दरवाजे पे चिपका के? हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पता है आज जो मजा आया है ना मुझे कान दरवाजे पर लगाकर उन दोनों की बातें सुनने का, इतने साल हो गए थे मुझे वो चौल में ये मजा ही नहीं मिल रहा था, और तो दूसरे कमरे में कोई खुसुर खुसुर भी करता था ना वो भी सुनाई दे जाती थी, लेकिन गॉड दी कसम आज जो मजा आया है ना ऐसे कान दरवाजे पर लगाकर उन लोगों की वो लड़ाई सुनने में। अब समझे आप लोग मैंने 6 करोड़ के लिए मना करके इस घर में रहने के लिए क्यों कहा? ताकि शराब जब आग लगाए तो हम उसमें घी डाल सकें।